अपने आप को संभाल नहीं सकता है, कोई क्या इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है सब कुछ करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम तो घर भी बहुत अच्छा संभाल लेते हैं, हम तो नौकरी भी कर लेते हैं। तो ये जो है ना गिल्ट होती है, वो जो काम करती है तो उसके साथ साथ उसके अंदर एक गिल्ट होती है कि अगर मैंने घर का नहीं किया तो फिर उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैंने बच्चों का कुछ छोड़ दिया तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो पूरे समय वो गिल्ट के साथ काम करती है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अपने ऊपर बर्डन प्रेशर प्रेशर लेती जाती है। तो ये एक बात है कि न तो हमको गिल्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करने जाते हैं लौट कर आते हैं तो हमने जो कुछ सीखा है वो हम अपने परिवार को बताते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, और फिर उसके साथ साथ परिवार की भी एक जो जनरल नॉलेज है वो भी उसमें भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कुछ लाइफ स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हमने सीखी है, कुछ डिसीजन मेकिंग में हम बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत वाइज हो जाते हैं बाहर जाके जब समाज को देखते हैं तो। और दूसरी बात जो हमारे साथी झारखंड के साथी जी ने कहा है, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे कमाते थे, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनकी कमाई इतनी थी कि हमारे परिवार बहुत अच्छे से चल सकता था, लेकिन मैंने भी MSc PhD की थी तो मेरे लिए भी ये बहुत मेरे को भी बहुत था कि मेरे को भी काम करना चाहिए, और हम दोनों जो है अपने अपनी फील्ड में एक साथ उल्टे उठते गए उठते गए। पहले हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर हुए, दोनों प्रोफेसर हुए, और दोनों जो है उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। तो उनकी कमाई की वजह से मैं नहीं काम करने के लिए गई, या उनकी कमाई से घर नहीं चलता था इसलिए मेरे को काम करना जरूरी हो गया, ये भी स्थिति नहीं थी। लेकिन आज क्योंकि काम किया है, एक कॉन्फिडेंस गेन किया है, और उस कॉन्फिडेंस का मेरे अपना ही परिवार नहीं, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली को भी मैं संभाल सकती हूँ, मैं अपने समाज के लोगों को भी अच्छी राय दे सकती हूँ, और अंदर एक महिला जब आगे बढ़ती है तो वो पूरे परिवार को साथ लेके चलती है, वो अकेली नहीं आगे बढ़ती है। जबकि पुरुष जब आगे बढ़ता है, चाहे वो बहुत CEO कंपनी का होगा, उसकी जो भी लर्निंग है, इतने पावरफुल उसने डिसीजन लिए होंगे, लेकिन उस पावरफुल डिसीजन का कोई भी रिफ्लेक्शन परिवार में नहीं आता है, कभी भी वो परिवार के साथ वो शेयर नहीं करता है कि आज उसने क्या डिसीजन लिया, कैसे हालात में डिसीजन लिया। तो मेरा ये कहना है किसी भी तरीके से अगर विमेन जो है वो एम्पावर्ड है, अगर वो काम करना चाहती है तो उसको ये चाहिए पूरे परिवार के साथ वो अपने काम को भी शेयर करे, जहाँ काम करती है वहां पे भी शेयर करे, ई विमेन बनने की कोशिश ना करे, दैट आई नो एवरीथिंग और देर इज नो नीड टू हैव अ गिल्ट, और आप बहुत अच्छे से अपने परिवार को देख सकते हैं, और आपका परिवार जो है जब आप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि शुरू में आपका स्ट्रगल का समय होता है, जब आप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं वही परिवार आपके लिए प्राइड फील करता है, और उसी परिवार को आपकी वजह से जो है आपकी इस पोजीशन की वजह से एक तरीके का प्राइड लेने का मौका भी मिलता है। तो थैंक यू मैं तो वेरी यही मच कहूंगी मैम। कि यस मैं तो यही कहूंगी बैंक एक है, एक जगह सब पैसा आना चाहिए, उस जगह से सारा परिवार को डिसीजन लेना चाहिए साथ में, किस तरीके से फाइनेंसेस संभालेंगे, किस तरीके से परिवार के डिसीजन लेंगे, किस तरीके से हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली को भी अगर संभालना हो वो भी हम साथ में मिलके जुल के डिसाइड लेके एक्सटेंडेड फैमिली को भी संभालेंगे। तो इस तरीके से परिवार ही नहीं समझेगा बल्कि हमारे समाज और हमारा देश भी उन्नति की तरफ जाएगा। बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छे आइडियाज हैं आपके कि मिलजुल करके एक साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। और आदित्य जी, अभी अभी रीता मैम ने बहुत ही अच्छी बात ये कही कि आर्मी की वाइफ जॉब तो जरूर करती हैं लेकिन वो करियर नहीं बना पाती हैं क्योंकि उनके हर 3 साल पर ट्रांसफर हो जाता है। तो अब आप ये बताएं कि आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? ये रीटा जी ने बिल्कुल सही बोला। स्पेशली अगर आप उसे जाएं आज से 5 या 6 साल पहले तक, ये सिचुएशन थी कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, स्पेशली आर्मी में, नेवी में, फिर भी नेवी में जो आपकी पोस्टिंग्स हैं मोस्टली बॉम्बे और या विशाखापट्टनम और पोर्ट सिटीज में होती है, तो वहाँ फिर भी दे हैव बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल। लेकिन जो आर्मी में है, आर्मी में आप रिमोट एरियाज में जाते हैं तो इनवेरिएबली आपके कई ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे आप अगर अपनी नौकरी करना भी चाहें या कंटिन्यू करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ये सिचुएशन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेमेन आर वर्किंग इन इन द IT कंपनीज एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज वेयर यू कैन वर्क फ्रॉम होम, एंड स्पेशली पिछले 1 साल में आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ कोविड एवरीबडी इज वर्किंग फ्रॉम होम। अब तो आपको खाली एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है एंड यू कैन कंटिन्यू वर्किंग
इन योर वेर एवर यू आर वर्किंग. एंड सेकेंडली एक और चीज है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर हाईली क्वालिफाइड एंड बिफोर दे गेट मैरिड दे आर ऑलरेडी इन ए वेरी गुड जॉब, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लीव दैट जॉब. The thing is ki agar if today I am getting married to a girl who is working she is already in a good job and will you expect me to leave my job and to become totally dependent upon her? That is the kind of society which we have in our everywhere. So us halat mein ye hai ki donon ko mil jul ke karne ki zarurat hai. Ha, if we feel ki there is a requirement jab aapke bacche chote hain where in us age mein jab tak wo school jana nahi shuru karte to that is the time when they need more care from the mother. So that time the ladies take a voluntary thing, they take a break, they look after their children and thereafter they again start working. And ek wo hai situation dusra jahan pe aap log if you are staying in a joint family to you have your support from your parents. I have seen a lot of ladies wherein the parents ya to parents of the girl, lady or the husband, they come and stay with them if the husband and wife both are working, so they are looking after. In my family, my mother-in-law has been there always with us to look after our children. When if my wife is my wife has been in the teaching profession for over 25 years now. So she has been working and I have been away. So the situation where if I'm deployed in the valley, so obviously I will not be physically available. And hamare saath hamesha yehi hota hai ki invariably all festival, all important occasion, we are never there. It is very rare occasion when we are present to participate. So is salat mein in fact agar aapne kal aapki Republic Day parade dekhi hui, there was a girl who was the first woman fighter pilot. Yes, she's there, she's working. So obviously what happens is she will get married to an officer who's in the armed force. Like you must have seen in the IT field, both husband wife are working in IT sector or either in the same company or different company. So that is how you adjust and let each other flourish and do well in your respective profession. So same is the thing happening in the armed forces also. And yes, we need to change our mindset. That is very important. जो आपने बताया कि जो कि अभी आज से 10 साल पहले जो सिचुएशन थी वो अब नहीं है. And in fact, everybody prefers कि you should get married to a girl who is working, who is independent, who can continue working. And also roles have also changed, especially due to COVID. Now husbands are running the house and women are working. In my case, I have just retired in September. My wife is working. She's got a full-time online job. So I'm looking after the household. So now, Aditya ji, we come to the end of our shows. Yeah. And the last question is the same question that was that is remaining, because you are the perfect example of that. When she earns more than he. I'm very happy. Okay. You are very happy. Yes. Now, Rita ji, what do you say? When she earns more than he. एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है मोर और लेस का सवाल नहीं होना चाहिए. दोनों की कमाई, मैंने दो बार यही बात कही है, दोनों की कमाई जो है एक ही घर में आ रही है और हम लोग का एक ही घर है, तो हम लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसकी और इसकी कमाई. हम लोग दोनों अपने अपने प्रोफेशन करें, साथ में एक जगह एक पैसा रखें और वहां से हम लोग दोनों जो घर के खर्चे चलाएं, दोनों मिलकर अपने घर के खर्चे चलाएं. तो ये जो फैमिली लाइफ साइकिल है, फैमिली सिस्टम है, इसके लिए ना क्या है, हमको किसी को ट्रेनिंग नहीं मिली है. हमने कर्नल साहब भी इस बात को एग्री करेंगे, हमने एक्सपीरियंस से सीखते सीखते हुआ. उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी वाइफ के साथ को सपोर्ट करने के लिए उनकी मदर इन लॉ आएगी, कभी कहाँ सोचा था उन्होंने, लेकिन हो गया ये. तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमको एक फैमिली लाइफ साइकिल की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और उस ट्रेनिंग के बाद अगर हम इस में उतरते हैं तो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग शादी के लिए, परिवार चलाने के लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है, ऐसा लगता है. थैंक यू वेरी मच. नाउ भरत मलिक जी हैज जॉइन अस, गुड इवनिंग सर. एंड व्हाट इज योर ओपिनियन, इफ शी अर्न्स मोर देन हिम देन व्हाट विल यू थिंक? भरत जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए वो. यस प्रीति, नाउ बिफोर वी लीव टेल मी इफ शी अर्न्स मोर देन हिम. मतलब डिपेंड करता है मैम, पर्सन टू पर्सन.
मैम ने जैसे बताया, रीता मैम ने बताया, वो बिल्कुल मुझे अच्छी लगी वो बात। और मेरे घर में एक्चुअली मैं वही फॉलो करती हूँ कि एक जगह आता है पैसा, मतलब डिपेंड करता है कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली बहुत सपोर्टिव हैं, उन्हीं की वजह से मेरी आज जॉब है। और जैसे आजकल हो रहा है कि वो आईटी में है, मैं टीचर हूँ, तो मैं जाती हूँ जुलाई से, मैं कंटिन्यू स्कूल जा रही हूँ, और वो घर में रह के बच्चों को भी संभाल रहे हैं, फैमिली भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, मुझे आके चाय मिल जाती है। तो डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच करनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आजकल बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत मेल बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं आजकल, वो समझ रहे हैं एक्चुअली अगर आप वर्किंग हैं तो आपकी प्रॉब्लम भी समझ रहे हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की। मेरा तो मेरे घर में एक्चुअली यही है, तो मैंने यही देखा है। थैंक यू वेरी मच प्रीति, यू आर सो फॉर्चुनेट, एंड मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी बहनें हैं सबको ऐसा ही हस्बैंड मिलना चाहिए कि वाइफ आए तो घर में चाय मिल जाए और अपना बच्चों की देखभाल भी कर ले। बहुत बहुत आप बहुत लकी हैं आप। और आप सोचती हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि जिसमें औरत ज्यादा कमाती है मर्द कम कमाता है, तो कुछ ईगो प्रॉब्लम वगैरह ऐसी नहीं होगी? मैं जॉब ही नहीं करना चाहती थी मैम, कि ठीक है मैं घर में रहूंगी, वही वाला मैम का कि हम लोग अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, बीएड कराया। हाँ, शादी के बाद ही मैंने बीएड किया है, बच्चे के होने के बाद बीएड किया है, फिर जॉब। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है कि नहीं तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे अंदर है वो चीज, तुम कर सकते हो, यू कैन डू। तो मैंने कहा ठीक है। So nice of you, प्रीति। अब आप आज जाकर के उनको हम सब की तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू बोल दीजिएगा। जब वो वाली बात मैम पिछली बार बोल रही थी कि ये हमारा जो देश है, मतलब मैक्सिमम अब सोच लोगों की चेंज हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे मैंने देखा है मैम, एक्चुअली अपने ही घर में देखा है, तो बहुत सारी जगह अभी भी वही सब चीजें हैं कि पुरुष, आई एम द मेल पर्सन, ये बहुत ज्यादा ईगो है अभी भी। तो वो पीछे से चिल्ला रहे थे मेरे हस्बैंड, ही वाज शाउटिंग कि नहीं गलत है ये जो तुम बोल रही हो, वो गलत बोल रही हो। तो मैंने कहा वो मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक कॉमन जो है अभी भी चल रहा है काफी एरिया में, वो बोल रही हूँ। तो हाँ, काफी चेंजेस आए हैं, जैसे रीता मैम की जो आज थी बहुत अच्छी लगी मुझे बातें, कि मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। Okay, thank you very much. And now we'll come to Fatima ma'am. If she earns more than him, then what will happen? Yes, Fatima ma'am. Yes, ma'am. मैं भी एग्री हूँ कि हम अपनी अहमियत खुद नहीं जताते, तो इसलिए हमें अहमियत नहीं मिलती है। हर औरत को वैसे ही बिहेव करना चाहिए कि मैं भी जॉब पे जाती हूँ, मैं भी थक के आई हूँ, जैसा कि अभी प्रीति ने कहा और अभी रीना मैम ने कहा, तो इसी तरह से होना चाहिए। दोनों को मिलके काम करना चाहिए, जो पैसे आते हैं वो इकट्ठे खर्च होने चाहिए, तो इसी तरह से जिंदगी आगे बढ़ती है और दोनों साथ रह सकते हैं। ईगो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जहाँ चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जहाँ ईगो प्रॉब्लम आ गई, अनानियत जो होती है ना मर्दों के अंदर या औरतों के अंदर, उसी से फिर घर जो है वो बिखर जाता है। थोड़ा बहुत जो है कभी औरत को ही सह लेना चाहिए, कभी मर्दों को भी सहना चाहिए, इस तरह से ही हमारी लाइफ जो है आगे बढ़ेगी और फिर हम लोग कामयाब एक इंसान बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और अब जाते जाते आई थिंक एहतशाम साहब भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जी एहतशाम साहब फरमाइए। जी मैं उस स्टैंड पे हूँ कि इंसान को अपनी नीड के तहत चलना चाहिए। पहले हमारी फैमिली में नीड नहीं है पैसा कमाने की, मर्द इतना कमा लेता है कि फैमिली चल सकती है, तो औरतें इतनी जहमत क्यों करें? औरतें क्यों बाहर निकले खामखा परेशान हो, ऑफिस का भी सुने और घर में आकर के बाल बच्चों का भी सुने। बच्चों की परवरिश सही से नहीं हो पाती है ऐसे घरों में, जिनके बच्चे जो है उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाता है। घर में भी काम करें और बाहर भी काम करें। औरतों के लिए सबसे बड़ा ये है, वो एक तरह से उसका हरासमेंट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है औरतों। मर्द अगर नहीं कमा रहे हैं, उनकी इनकम कम है, तो ऐसी सूरत में औरतों को बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कि इतना टेंशन लेने का।
ठीक है, ठीक है, ये एहतेशाम साहब अपनी सोच बता रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वाक्य यहाँ पे बताना चाहती हूँ, हालांकि उनकी बात को काट नहीं रही हूँ क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत तजर्बा किया है जिंदगी का, उसी की रोशनी में बोल रहे हैं, और हो सकता है झारखंड में कुछ ऐसा माहौल हो कि जिसके तहत उनको यही मुनासिब लग रहा हो वहाँ के हालात के हिसाब से। मैं एक वाक्य ये बताऊंगी कि बहुत बचपन में मेरे अब्बू ने ये वाक्य मुझे बताया था कि एक घर में एक आदमी था, वो खाना अपना जो है ना, वो जानते हैं आप लोग, शायद जो लोग गांव के होंगे जानते होंगे, एक शिखर एक चीज होती है उस पर खाना रखा जाता है, वो हैंगिंग सा होता है जिसके ऊपर बचा हुआ खाना लोग रात को रख दिया करते थे, क्योंकि पहले फ्रिज वगैरह तो होता नहीं था ना, तो पहले उसी पर वो हैंग कर दिया करते थे, तो उस पे वो खाना हैंग कर दिया करता था आदमी रात को बचा हुआ खाना, जब सुबह उठता था तो देखता था उसमें से थोड़ा सा खाना जो है ना चूहा खा गया, तो अब जैसे रोटी रखी तो रोटी को उतर गया चूहा, तो अब वो परेशान हुआ, उसने अगले दिन क्या किया उसको और थोड़ा ऊंचा कर दिया कि शायद चूहा यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर अगले दिन देखा कि अगले दिन वो और चूहा उसको उतर गया, तो फिर तीसरे दिन उसने और ऊंचा कर दिया, तो तीसरे दिन भी चूहा जो उतर लिया, तो अब उस आदमी ने सोचा कि चलो भाई इसका कोई इलाज ढूंढते हैं कि आखिर ये चूहा है क्या भला, मैं जितनी भी ऊंचा रखता हूँ वो पहुंच ही जाता है वहां पे, तो उसने अपने पूरे घर को छानना शुरू किया, वो पूरे घर को उसने देखने के बाद देखा कि एक चूहे का बिल था, उसने बिल को खोदा और बिल को खोदते 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 उसने देखा कि बिल में उसको एक अशर्फी की थैली मिली, ठीक है, तो उसने वो अशर्फी की थैली बाहर निकाल ली और बिल को वैसे ही पैक कर दिया, उसके बाद जो उसने रात को शिखर पे खाना रखा तो वो सुबह उठ करके देखता है तो बिल्कुल उसका सही है खाना, चूहा पहुंच ही नहीं पाया वहां तक उस कुछ उसके, तो पता ही चला कि जब चूहे के अंदर कॉन्फिडेंस था जो ऊपर से ऊपर चला जाता था वो सिर्फ उस थैले की वजह से था जो उसकी अशर्फी का थैला था। तो एक जो अगर कोई कमाता है या किसी के पास अगर फाइनेंशियल अगर हेल्प होती है तो उसके अंदर क्या होता है, कुवते इरादी पैदा होती है, उसका हौसला बुलंद होता है। और एहतेशाम साहब तो तारीख पढ़े होंगे, इस्लामी तारीख खास तौर से, उसमें जो हमारी जो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट थी वो सब भी जानबूझ करके इसीलिए कमाती थी ताकि वो खुदा की राह में खर्च कर सके, किसी की मदद कर सके, किसी को दे सके, किसी के काम आ सके। तो हाँ, ये अलग बात है कि वो पहले ये देखती थी कि घर का सारा काम, बच्चे बच्चे सबके हालात ठीक ठाक हो तब वो कमाए, ऐसा नहीं हो कि घर को निग्लेक्ट करके फिर वो ऐसा कुछ करे। तो एहतेशाम साहब, मुझे लगता है कि अगर इस तरह के हालात हैं लोगों के तो के वो घर को देखते हुए और घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो वो जॉब करने में कोई ऐसी उसको ममानियत नहीं है किसी तरह से, ये कहने का मतलब है। हाँ मैडम, आप ठीक कर रही हैं, तो मैं एक बात जो कह रहा हूँ उसको आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो क्यों टेंशन लें, लेडीज को हर हालत में जो है उनको प्रॉब्लम होता है, इतने सारे वर्क करने पड़ते हैं, इसको थोड़ा देखिए, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा है जो नहीं चल सकता है तो फिर कोई बात नहीं कर सकती है। आप महसूस करते हैं जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे वो महसूस करती होंगी कितने वर्क करते हैं, और उसके बाद भी जो है घर के भी वर्क करती ही हैं, तो ये मेन बात है। हम शुक्रिया बहुत बहुत, आप हमारे बहुत हमदर्द हैं। प्रीति मैम कुछ कहना, रीता मैम कुछ कहना चाहती हैं, खैर आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, ये जो भी कह रहे हैं वो हम लोग की हमदर्दी में कह रहे हैं कि आप सब अंदर भी करती हैं बाहर भी करती हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, सुपर वुमन तो मैम ने कहा ही है कि कुछ औरतें सुपर वुमन होती है। यस मैम, हाँ नहीं, मेरा ये कहना है कि ये हम लोग क्यों सोचते हैं कि उसको बाहर निकलेगी तो स्ट्रेस होगा, कई बार हम लोग के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा होता है, घर से जब बाहर आती है वहाँ जो एप्रिसिएशन मिलता है, वहाँ जो अच्छा होता है वो हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर होता है, उसके बाद हम उस एनर्जी को लेके घर में आते हैं तो उस एनर्जी से हम अपने घर को भी बहुत अच्छे से चला लेते हैं, तो वहाँ का मिला हुआ हमको जो रिवॉर्ड है उससे हम अपने घर को और भी अच्छे से और मजबूती से चला लेते हैं, और घर के स्ट्रेस को कैसे कोप करना वो भी आता है हमको, क्योंकि बाहर भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं तो हमारे अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, ईगो के साथ नहीं चलना, ये सब बातें हम बाहर से सीख के आते हैं और घर में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो घर में हमको कोई स्ट्रेस नहीं है सर बाहर जाके काम करने में, हम बाहर के भी काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं और हम घर के भी काम अच्छे से कर लेते हैं, हमको आप बस रोकिए मत, जो करना चाहते हैं उनको जाने दीजिए, उनको खिलने दीजिए, बाहर जाके वो खिल जाती है, और सर ये हमें रोकिए मत। ओके, थैंक यू वेरी मच, हमें रोकने ये रोकिए मत, ये है पैगाम इन तमाम खवातीन का जो यहाँ मौजूद है, और एहतेशाम साहब और आदित्य साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना कंसर्न शो कर रहे हैं कि अगर वो एहतेशाम साहब कह रहे हैं बाहर जाएंगी तो थक जाएंगी, परेशान होंगी, टेंशन लेंगी,
तो बहरहाल आपके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया, और खवातीन हमें रोकिए मत, इसी पैगाम पे हम आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे। आदित्य जी आप क्या कहना चाहते हैं, एक लाइन में बोलिए अपनी बात। मैम आई हैव अ डॉटर एंड अ सन, आई डोंट स्टॉप माय डॉटर फॉर गोइंग आउट, सो आई एम ट्रीटिंग इफ आई सो इट इज द सेम थिंग। ओके वेरी गुड, तो हमें रोकिए मत के पैगाम पे आप अमल कर रहे हैं, और ये पैगाम अभी सभी मर्दों को देते हुए मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल जहाने मन को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आज ही आप कर ले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।